जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। अम्मी। हाँ। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वो क्लास लेने के बाद मुझे कंप्यूटर एकेडमी भी जाना है। अच्छा ठीक है, खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। आपने मेडिसिन ले ली? हाँ बेटा हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को वक्त पर दवाई दे दी थी, और दवाई देने से पहले जबरदस्ती नाश्ता भी करवाया। ये तो बहुत अच्छा किया बाबा आपने। किसकी कॉल? अम्मी नवाल। दिखाओ। हेलो नवाल। हाँ बेटा बोलो। जुहेब का पूछने के लिए फोन किया। वेयर इज ही? क्यों, क्या क्या जुहेब तुम्हारे पास नहीं है? जनाब रात 12 बजे घर से निकले थे ये कहकर कि उजाला को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने जा रहा हूँ, और अब तक घर नहीं आए। मुझे लगा वहां पर होंगे। क्या पुलिस स्टेशन? जी, उसने अपने शौहर पर मर्डर अटेम्प्ट किया। क्या हुआ? डेथ नहीं हुई उसकी, आखिरी सांसें ले रहा है हॉस्पिटल में। किसी हलीमा का फोन आया था आधी रात को जुहेब को, और वो जनाब मुंह उठा के चले गए मदद के लिए। क्या हुआ? ओह अम्मी क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। बैठे इधर, क्या क्या हुआ? क्या है अम्मी? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? अम्मी अम्मी क्या हुआ है? बड़ा फर्क हो मन हो उसका, खुद तो मुंह काला करके जेल चलेगी, लोग तो हमसे सवाल करेंगे ना, जवाब तो हमें देने पड़ेंगे। और नहीं तो क्या, जुहेब कल रात से घर नहीं आया, उजाला की जमानत के लिए भाई के साथ मारा मारा फिर रहा। हाँ भाई, अब तो ख्याल वही रखेगा, सब वही करेगा। और नवाल का शक भी यकीन में बदल रहा है, मुझे तो अब जुहेब और नवाल का रिश्ता भी खतरे में नजर आ रहा है। अंदर अंदर परेशानी तो मुझे भी खा रही है कि कुछ ना कुछ है। ये जुहेब तो बड़ा पक्का निकला, हर जगह ढाल बनकर उजाला की पहुंच जाते। दाल में कुछ काला जरूर है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। तो देख लेना, ये रिजवान मर गया ना तो तू लिखवा ले, फौरन उजाला को जेल से छुड़वा के जुहेब उसे निकाह कर लेगा। अब आपकी बहुत खुशकिस्मत, आपने जो चाहा आपको मिल गया। रिजवान आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? मैं समझती हूँ तालीम कम है, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हम मिलके कोई छोटा कारोबार तो शुरू कर सकते हैं ना। मैं मदद करूंगी आपकी। तू वाकई मेरी मदद करेगी? वो असल में मेरे को कुछ पैसे वैसे चाहिए, वो अपना बिजनेस शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करनी थी मुझे, इसलिए। रिजवान
मैं आपकी कोई माली मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन शुरू करने के लिए जितना भी साथ चाहिए मैं दूंगी आपका। कंप्यूटर आता है मुझे, उससे कोई मदद हो जाएगी। बस 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 बढ़िया ही शुरू करने के लिए अपना काम कर सीधी तरीके से। रिजवान आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा आपकी नौकरी का, और मैं भी तो ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तू बावली हो गई है, सटिया गई है, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के बच्चे पालेगी। तुझे पता है छोटे बच्चे के कितने अखराजात होते हैं, कितना मुश्किल होता है उसे पालना, आपको संभालेगी अपने बच्चे को? मम्मी को तो बहुत खुशी हुई है इस बात की। बात सुन, मुझे बच्चा बच्चा नहीं चाहिए, अभी 3 माह गुजरे नहीं है और तूने इतनी बड़ी फटीक मेरे सर डाल दी। रिजवान क्या हो गया आपको? ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज रहे और आप ना शुक्री कर रहे। मैं इस हालत में कैसे पढ़ाऊं? आओगे तेरी हालत को अच्छी भली तो नजर आ रही है तू? कमजोरी हो रही है मुझे, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, और मुझे इस हालत में कह रहे हो बच्चे पढ़ाओ काम करो, नहीं होगा मुझसे। अल्लाह, मेरी बेबी को कमजोरी हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मार्केट से फ्रेश गन्ने का जूस लेके आ, खुद ब खुद तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। मुझे तो शुरू से ही शक था तुझ पर। सच सच बता शाला, कहाँ मिलती थी तू उससे? बता कहाँ मिलती थी तू उससे? नहीं बताएगी? मैं कह रहा हूं तुझे, तेरी जान नहीं लूंगा उधर। तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? उजाला, जी ठीक तो है? उजाला कहाँ है? ये उजाला कौन? शायद इनकी वाइफ का नाम है। अच्छा, वो तो हवालात में। डॉक्टर साहब, उजाला को बोला है, मुझे उजाला से माफी मांगती है। डॉक्टर साहब आप प्लीज उजाला को बुला दें। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की, मेरी उजाला कहाँ हो तो? प्लीज डॉक्टर साहब उजाला को बुला दे, तेरे पास ज्यादा नहीं है। उजाला टूट जाए, लेकिन इसकी माँ ने इसको बद्दुआएं दी है, पता है क्यों?
क्योंकि जानवरों की तरह मारता था मुझे। अरे झूठ बोल रही है माँ, मेरी मरी है, पागल तू हो गई है, कब मारा मेरे भाई? बोल रही हूँ झूठ, ये मेरे मुंह पर सांपों के निशान नजर नहीं आ रहे। तुम जानती हो इसने मुझे बंद किया था, जानती हो ना? अगर ना बंद किया होता तो मैं बचा पाती ना अम्मा को, पानी दे सकती थी ना, दवा दे सकती थी ना, कुछ खाने को दे देती, बचा सकती थी ना, मेरे के नहीं बचा सकी। अपनी माँ का ख्याल नहीं कर सका, जिसने अपनी माँ को मार दिया, उसकी नजर में बीवी की क्या अहमियत है? साला मुझे माफ कर दे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात से दूर रहें, आप क्यों बार बार मेरी वजह से खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं? सुहेब, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे, प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाएं। उजाला, चला जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर। बस एक बार तुम बाहर आ जाओ, मैं अभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। डॉक्टर साहब, क्या बना? पेशेंट को होश तो आ चुका है, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। सो हम मिल सकते हैं? जी हाँ। साहब, कैसी हालत है मरीज की? अभी उनकी हालत सही नहीं है, लेकिन हमें उनका बयान रिकॉर्ड इसी वक्त करना है। देखें, उनकी हालत ऐसी नहीं है जो बयान दे सके। देखें, हम समझ सकते हैं, लेकिन उनका बयान लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए।
कुछ जाना। उजाला, उजाला से मिलना चाहते हो तुम? जानते हो किस साल में कहाँ है वो? उजाला की जिंदगी वैसे बर्बाद करने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। सही, हो सके तो माफ कर दे। माफी मांगनी है तो उजाला से माफी मांगो। इस वक्त वो जेल में है और तुम ही उसे सजा से बचा सकते हो। देखो रिजवान, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मौका और दिया, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, उजाला को सजा से बचा लो किसी तरह भी। उजाला से मिला, को किसने इजाजत दी अंदर आने की? चलें बाहर जाएं, हमें हमारी तफ्तीश मुकम्मल करने दें। चलें। क्या बता सकते हैं आप पर किसने कातलाना हमला किया? कुछ कह नहीं सकते, पुलिस ने हमें कमरे से निकाल दिया। बेगैरत इंसानों को तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन मैं अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं गुजारूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, आज ही मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उजाला की जिंदगी वैसे बर्बाद करने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मौका और दिया, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, उजाला को सजा से बचा लो किसी तरह भी। आपकी बहन का कहना है कि आपकी बीवी उजाला ने आपके सर पे गुलदान मारकर आपको कत्ल करने की कोशिश की है, क्या ये सच है? नहीं, ये सब झूठ है और खेल साहब है।
बेचारी किसी को क्या मारेगी, वो तो बेचारी बेकसूर है और बेबस है। मैंने उजाला के साथ ज्यादती की है, मेरी बहन रक्षा ना नहीं मुझ पे गुलदान उठा कर मारा, अगर ये सब कुछ उसे जानबूझ के नहीं किया, उससे हो गया हमारे बीच में तलखलामी हुई, ये सब कुछ हो गया, इसमें ना मेरी बीवी ना मेरी बहन का कसूर, कसूर सारा मेरा है। ना मैं अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा इंसान, ना ही अच्छा शोहर। बहुत बुरा और बहुत ज़ालिम इंसान। मैंने बहुत ज्यादती की अपनी बीवी के साथ, एक घटिया और खैरत इंसान। मैंने अपने मासूम बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। मैं अपने बच्चे का कातिल हूँ, मैं अपने बच्चे का कातिल हूँ, मैंने उसे मार डाला। हो सके तो जाना मुझे माफ कर देना। डॉक्टर Thank you.
आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जुहेब। मेरा ख्याल है तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से फिर किसी मुसीबत में पड़ो और अपने पेरेंट्स को किसी गलत फहमी में डालो। भाभी, एक्सक्यूज मी। जी बाबा, खैरियत? तुम सुनाओ, कल रात से कहाँ गायब हो? तुम्हें कोई अंदाजा है कल रात से तुम्हारी बीवी कितनी परेशान है? बाबा, मैं आपको घर आके सब कुछ बताता हूँ। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना वहाँ क्या मसला हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तुम्हें पराए मसलों में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? फौरन से घर पहुंचो। क्या कह रहा है? इसके साथ कोई ना कोई मसला ही लग रहा है। तुम घर जाओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बख्तियार भाई आप? हम यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं, उजाला को वहां से लेके फिर मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा। वो कसमें खा रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मैं कैसे उसकी बात को नजरअंदाज कर दूं? बख्तियार, हो सकता है वो सच बोल रही हो। किरण ने कोई ऐसी वैसी चाल चल के उसे वहां अकेले मिलने के लिए राजी किया। क्यों करेगी किरण ऐसा? क्या दुश्मनी है उसकी उजाला और जोहेब से? वो तो पहले ही मसलों में घिरी हुई है।
जरबाब उसे घर ले जाने को तैयार नहीं है, इन हालात में वो ये सब क्यों करेगी? तुम अपनी बहन को समझा लो, गलत काम की सजा के लिए तैयार हो जाए। कैसी सजा? उसकी शादी रिजवान से ही होगी, मैंने कह दिया है। रिजवान कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, थोड़ा सा नशा करता है लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अपना मकान है, दुकान है, हर महीने का किराया आता है, ऐश करेगी तुम्हारी बहन। लेकिन बख्तियार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया, शादी वहीं होगी। चलें। उजाला, तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने आई है। मेरी फैमिली लेने आई? हाँ, तुम्हें लेने आई है। मुबारक हो, तुम पे लगा इल्जाम गलत साबित हुआ है। तुम्हारे शौहर ने मरने से पहले ये बयान दिया था कि उस पर कातिलाना हमला उसकी बीवी ने नहीं, उसकी बहन ने किया था। बख्तियार भाई के साथ कर क्या रहा है? तो फोन मिला ना, पूछ उससे कहाँ है, कहाँ रह गया है। ले, कितनी लंबी उम्र है तेरे बेटे, नाम लिया और फोन आ गया। भाई कहाँ रह गया? क्या क्या हुआ है? वो रिजवान नहीं रहा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।